शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने आज सुन लिया, जिसने आज अपनी जिंदगी को धारण कर लिया, जिसने आज परमात्मा की भक्ति को पा लिया। लोग कहते हैं अभी हमारा बचपन है, बचपन में कोई भगवान का भजन करना चाहिए, जवानी में भगवान का भजन करना चाहिए। अभी तो हम जवान है, अभी तो एंजॉय की उम्र है, घूमना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मैं हूँ कृतिका और मैं आ चुकी हूँ छत्तीसगढ़ के कोरिया में, जहाँ पे शिव महापुराण का कथा हो रहा है। और आज है कथा का चौथा दिन और आज की भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और धूप जो है वो बहुत ही तेज हुआ है और काफ़ी श्रद्धालु लाखों की संख्या में रोज़ आ रहे हैं शिव महापुराण का कथा सुनने के लिए। तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं कि यहाँ का कैसा माहौल है, कितने लोग आ रहे हैं और आप यहाँ का नज़ारा घर बैठे उठाइए कि कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। मुझे तो बहुत ही खुशी होती है और अच्छा लगता है। जहाँ भी छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण का कथा होता है वहाँ पे अगर संभव होता है तो मैं ज़रूर पहुँच जाती हूँ शिव महापुराण का कथा सुनने के लिए। और श्री प्रदीप मिश्रा जी का जो है वो दर्शन भी हो जाते हैं भोलेनाथ की कृपा से। तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ यहाँ का जो सीन है, जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो, और पंडाल के काफ़ी करीब मैं आ चुकी हूँ। तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि किस तरह का यहाँ पे जगह है और कहाँ पे शिव महापुराण का कथा हो रहा है और कथा स्थल जो है वो कैसा यहाँ का नज़ारा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सभी को जल्दी है कथा पंडाल के अंदर जाने का और सबको जो है वो अपना जगह जो है वो निश्चित कर लेना है कि कहाँ पे बैठ के कथा जो है वो सुनना है। और कथा का टाइम मैं बता दूँ कि कथा जो है वो 1 बजे से 4 बजे तक के हो रहा है शिव महापुराण का। और आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ छत्तीसगढ़ के कोरिया में जो शिव महापुराण का कथा चल रहा है 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक का। तो कथा स्थल के पंडाल तक हम लोग पहुँच चुके हैं और काफ़ी करीब हूँ मैं यहाँ पे पंडाल के।
अस्त्र शक्तियों से अपने सर पर पल्लू और बच्चे रखें, अपनी चेन पर्स अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें, किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त न करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर करते रहे, दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहे, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखे, उनकी गेम में उनके माता पिता का नाम, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख कर एक पर्ची अवश्य डाले, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी किसी भी भक्तों को ना हो। साथ में अपने अन्य किसी के हाथों में आप अपना दान ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्री मंडल सेवा समिति के अब इनका समय आ गया, एक ही बात डॉक्टर के मुंह पर रहेगा, अब इनका समय आ गया, अब ये हमारे बस के नहीं है, अब इनकी जिंदगी का ये सब क्रम जाने, ये हमारे बस की बात नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने आज सुन लिया, जिसने आज अपनी जिंदगी को धारण कर लिया, जिसने आज परमात्मा की भक्ति को पा लिया। लोग कहते हैं अभी हमारा बचपन है, बचपन में कोई भगवान का भजन करना चाहिए, जवानी भगवान का भजन करना चाहिए, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो एंजॉय की उम्र है, घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, फिरना चाहिए, धर्म पत्नी को लेकर गोवा चले जाओ, बच्चों को लेकर यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये तो हमारा एंजॉय का उम्र है, बचपन हमारे पढ़ने की, हमारे खेलने की, आनंद करने की उम्र है, जवानी हमारी भोग विलास की उम्र है, अजहरी जब एक अवस्था आती है तो ये तो हमारी कमाने की उम्र है, फिर आया बुढ़ापा, और फिर बुढ़ापे में कहा कि अब बुढ़ापा आ गया, तो कहा अब भजन की उम्र है। परशु महापुराण की कथा कहती है, हाथ थर 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 कांपे, पांव से चला नहीं जा, मुख में एक भी दांत नहीं बचे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे, और तुम अपने छोरा से कहो मुझे तोड़िया ले जा और शिव पुराण सुना ला, तो छोरा भी कह देगा माँ तू घर में बैठी रह, कहीं मत। आज की औलाद एक कुत्ता घुमाना पसंद करती है, पर बुड्ढों को घुमाना पसंद नहीं करती। इस विचार में मत रहना कि तुमको कोई ले जाएगा, वो तो तुम्हारे शरीर में भोलेनाथ जी ने बल दिया, शरीर ठीक हुआ, इसलिए तुम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गए हो। शंकर की कथा, एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में किसी ने लिखा,